गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास सिक्स को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट है, यानी इंग्लिश लिटरेचर। लेसन वन चल रहा है, जिसका नाम है डियर मिसेस नायडू, प्यारी श्रीमती नायडू। अम्मा सेज आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक टू ए स्ट्रेंजर। अम्मा कहती हैं मुझे अजनबियों से बात करने की अनुमति नहीं है। देखिए, एक लड़की है सरोजनी। सरोजनी बताती है कि उसकी माँ कहती है कि उससे अजनबियों से बात करने की अनुमति नहीं है। वो किसी भी अनजान आदमी से, जिसको वो नहीं जानती है, उससे वो बात नहीं कर सकती है। यू वुड थिंक डैट ऑल्सो मीन डैट आई शुड नॉट राइट टू देम। आपने यह भी सोचा होगा कि इसका मतलब उनके पास लिखने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए, ना ही उस लड़की को किसी अजनबी से बात करने की अनुमति है, और ना ही वो किसी अजनबी के पास उसको लिखने की अनुमति है। बट सिंस दिस इज़ अ स्कूल असाइनमेंट, सी सेज इट इज़ ओके। लेकिन इसके बाद भी यह एक स्कूल असाइनमेंट है, तो वह कहती हैं, मतलब उसकी माँ कहती हैं, अगर स्कूल असाइनमेंट है तो यह ठीक है। हेयर इज़ अ टिप मिसेस नायडू, श्रीमती नायडू मेरे पास एक सुझाव है। इफ़ यू एवर वांट एडल्ट्स टू लेट यू डू समथिंग, अगर आप वयस्कों को कोई काम देना चाहती हैं और उनसे कुछ कराना चाहती हैं, जस्ट टेल देम इट इज़ अ स्कूल असाइनमेंट। तब उनसे कहिए कि यह एक स्कूल असाइनमेंट है। दे विल 100% एग्री टू इट एवरी टाइम। वे लोग इस बात पर 100% राजी हो जाएंगे हर वक्त। मे बी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, द बिगनिंग वॉज लास्ट वीक। हो सकता है कि मुझे प्रारंभ करना चाहिए शुरुआत से, और मेरी शुरुआत पिछले हफ्ते हुई। लास्ट वीक आई स्टार्टेड क्लास सिक्स एंड आई मेट आवर न्यू टीचर अन्नी मिस। पिछले सप्ताह मैंने शुरू किया क्लास सिक्स को, मतलब वो क्लास सिक्स उसका शुरू हुआ, और मैं मिली हमारी नई टीचर मिस अन्नी से, मतलब उसकी नई क्लास टीचर से वो मिली, जिनका नाम अन्नी मिस है। हु इज़ नॉट लाइक एनी टीचर आई हैव हैड बिफोर। वह मेरे पहले वाले टीचर से अलग है, मतलब पहले वाले टीचर की तरह नहीं है अन्नी मिस। फॉर एग्जाम्पल, अन्नी मिस सेज सी डज नॉट थिंक स्कूल शुड बी अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स और सेइंग देम बैक। उदाहरण के लिए, अन्नी मिस कहती हैं वह नहीं सोचती हैं कि स्कूल चीज़ों को याद रखने के लिए होना चाहिए और फिर दोबारा कहने के लिए होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप स्कूल में जाते हैं, आपको सीखना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हम स्कूल में गए, बता दिया गया, उसको याद कर लिए, रट लिए, इसके लिए नहीं होना चाहिए, सीखने के लिए होना चाहिए। सी सेज मेमोराइजिंग थिंग्स एंड सेइंग देम बैक मेक्स यू अ पैरेंट। वह कहती हैं कि चीज़ों को याद रखना और दोबारा उन्हें बताना आपको तोते की तरह बना देता है। मतलब जैसे तोता को हम देखते हैं, अगर जैसे आप तोता को रखते हैं, उसको एक चीज़ को बार बार रटवाया जाएगा तो उसी चीज़ को रिपीट करता रहता है, बता देता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब तोते की तरह नहीं होना चाहिए। और ये जो है वो आपको, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।